हेलो एवरीवन, दिस इज सीए गौतम सलूजा। आज बात करते हैं एंटिटी लेवल कंट्रोल्स यानी कि ईएलसीज के ऊपर। ईएलसीज जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, वो कंट्रोल्स जो कि पूरी एंटिटी के ऊपर इक्वली अप्लाई कर रहे हैं। इसको एक एग्जांपल के मीडियम से समझते हैं। लेट अस से एक कंपनी की पॉलिसी है दैट व्हेनेवर ए न्यू एम्प्लॉय जॉइंस विद इन 7 डेज ईच एंड एवरी न्यू एम्प्लॉय इज गिवन ए हैंडबुक, व्हिच मींस अब ये जो एम्प्लॉय हैंडबुक दी जा रही है, ये चाहे सीईओ ज्वाइन करे चाहे कोई स्टाफ ज्वाइन करे, सबको दी जाएगी। दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस। अनदर एग्जांपल, लेट अस से एवरीबॉडी इज एलिजिबल टू टेक 20 डेज ऑफ लीव इन अ ईयर। अब वो चाहे सीईओ है या स्टाफ है, सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल है। ईएलसीज जो है इनडायरेक्ट नेचर होते हैं, यानी कि वो डायरेक्टली तो किसी कंट्रोल को ऊपर नहीं अप्लाई कर रहे, बट ईएलसीज अगर इफेक्टिव हैं, वी कैन रिड्यूस द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। ईएलसीज में ऑडिटर क्या क्या चीजें चेक करता है? सबसे पहले तो कंट्रोल एनवायरमेंट, दूसरा रिस्क असेसमेंट, तीसरा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, एंड लास्टली मॉनिटरिंग कि वो कंट्रोल प्रॉपरली मॉनिटर हो रहा है, इफेक्टिवली अप्लाई हो रहा है। आई होप इस डिस्कशन के बाद योर कंसेप्ट ऑफ ईएलसी हैज इंप्रूव्ड। थैंक यू।